हेलो, ये चैप्टर है 12.2। अब क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। ज्ञात कीजिए, यानी चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये एक सर्कल है और इसका आर्क जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जीवा है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें चाप की लंबाई निकालनी होगी। चाप की लंबाई निकालने के लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, थीटा बटे 360 टू पाई आर। अब यहाँ पे थीटा है 60, तो 60 बाई 360 इंटू 2 पाई 22/7 इंटू आर यानी 21। अब ये कटेगा, 7 3 21 3 6 से काटेंगे तो 2 2 2 कट जाएगा यानी 22 सेंटीमीटर। यानी चाप का जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। फिर दो नंबर में निकालने के लिए कहा गया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। अब काटेंगे, 7 3 21 3 2 से काटेंगे फिर 2 को 22 से काटेंगे, 11 यानी 11 गुना 21 हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे का क्षेत्रफल, इस वाला पोर्शन का क्षेत्रफल निकल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तीन नंबर में निकालने के लिए कहा गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे हमने चार नंबर में निकाला था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकाल के उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दिया था। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने चार नंबर में निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था 1/2 आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ त्रिभुज को निकालने के लिए 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू sin थीटा का यूज़ करेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाल लिया था पहले ही, तो 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू sin थीटा, तो 231 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 और sin थीटा यानी 60 डिग्री। अब 231 माइनस 21 इंटू 21 हो जाएगा 441/2 इंटू sin 60 का मान होता है √3/2। इसको याद रखना है इस मैथ में। अब 231 माइनस इसको गुना करेंगे तो 441 √3 और 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया 231 माइनस 441 × 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकल गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।
और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए।